नमस्कार। फर्स्ट आई विल स्पीक इन हिंदी, देन आई विल स्पीक इन इंग्लिश एज यूजुअल। जो परिपक्वता है वही सेहत है, वही हेल्थ है। जो परिपक्वता है वही हेल्थ है। अगर हम परिपक्व मैच्योर नहीं होंगे, हमें कुछ भी पता लग जाए, हम उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि परिपक्वता ही सबसे बड़ा मंत्र है। जो हम जिस यात्रा पर हम जा रहे हैं, परिपक्वता की यात्रा पर हम जा रहे हैं, उसमें जैसे जैसे परिपक्व होते चले जाएंगे, तो हमारे जो हेल्थ के जो मंत्र हैं, हेल्थ के जो तरीके हैं, वो हमारे साथ चलने शुरू हो जाएंगे। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको डायरेक्ट ना करूं, डायरेक्टर बना दूं, खुद ही ओरिजिनेटर, खुद ही इन्वेंटर, अपने आप को देखने वाले बना दूं। इसीलिए हम इस परिपक्वता की यात्रा पर जा रहे हैं। अब आज की दुनिया में ये जो मैं, ये जो मैं का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मैं के सिवा हमें कुछ भी नजर नहीं आता, वो मैंने हमें खत्म कर दिया है। मैंने हमारी सीमाएं तोड़ दी हैं, हमें उसने डैमेज कर दिया है, हमें उसने खराब कर दिया है। मैंने जो भी हम जीवन में करते हैं, उसमें एक विशालता, जैसे मैंने कल भी बात की थी, एक विशालता होनी चाहिए। लेकिन हमारी सिविलाइजेशंस, हमारी कल्चर्स ने हमें बांध दिया है, ये तेरा रिलीजन है, ये तेरा नाम है, ये तेरा ये है, ये तेरा वो है। जब मुझे मोहन की याद आती है, तो मुझे सामने नजर आ जाता है कि मोहन के माँ बाप ये हैं, मोहन का गांव ये है, मोहन का स्कूल ये है। मोहन एक लिमिट में बंध जाता है, मोहन की जो विशालता है वो खत्म हो जाती है। ये हमारी कल्चर्स ने कर दिया है हमारे लिए, हमारी जो सिविलाइजेशन है उन्होंने हमें इस तरह डैमेज कर दिया है। पर हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है, हमने इनसे ऊपर जाना होगा, अपने नाम आई मी दिस एंड दैट से ऊपर होकर देखना होगा। हम नामों को तो नहीं बदल सकते, हमें नाम रखने भी पड़ेंगे, बट हमें उनसे ऊपर उठकर देखना होगा। अगर हम अपने नाम में आई मी इसमें पड़े रहे, तो हम कभी भी ऊर्जित नहीं हो सकते, हम कभी भी वास्ट नहीं हो सकते, हम कभी भी इन्वेंटर नहीं बन सकते। हम उसी में बंधे रहेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो हमारी आज की ये जो यात्रा है, वो मैच्योरिटी की यात्रा है, एक परिपक्वता की यात्रा है। हमें परिपक्व बनना होगा, हर कदम पे परिपक्व बनेंगे तो हमारी जो जीवन भी परिपक्व होगा, हमारे ड्राइव जो गोल भी परिपक्व होंगे, और हमारी हेल्थ भी बढ़िया होगी। हेल्थ का तो हम बताते रहते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसको अमली जामा कैसे पहनाना है, वो सिर्फ मैच्योरिटी ही देगी। और आई मी और आई में से बाहर निकलना होगा। Now I will tell you something, few sentences of English as I do. मेरा एक दोस्त है, I have a friend. वो इंग्लैंड में रहता है, he lives in England. वो इंग्लैंड की बहुत सी बातें करता है, he talks too much about England. वो लंदन की बात करता है, he tells me about London also. वो लंदन के एयरपोर्ट की बात करता है, ही टेल्स मी अबाउट एयरपोर्ट ऑफ लंदन।
वो मुझे वहां के एयरपोर्ट की प्रॉब्लम बताता है. ही टेल्स मी अबाउट द प्रॉब्लम्स एट द लंडन एयरपोर्ट. वो अब इंडिया जा रहा है. ही इज रेडी टू गो टू इंडिया. सो हमने कल ये स्टोरी बनाई, परसों ये बनाई, आज ये बनाई. हम आगे जाते जा रहे हैं, हमें इंग्लिश की ग्रिप आ जाएगी इससे. नाउ आई विल टॉक द सेम वीडियो इन इंग्लिश. मैच्योरिटी इज हेल्थ, पीरियड. इफ वी आर नॉट मैच्योर, एनी अमाउंट ऑफ फार्मूलाज, एनी अमाउंट ऑफ थिंग्स वी नो अबाउट हेल्थ आर नॉट गोइंग टू वर्क, पीरियड. नॉट, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स. इफ वी आर नॉट मैच्योर, एनी थिंग वी नो इज नॉट गोइंग टू वर्क. बिकॉज मैच्योरिटी इज ए पार्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटजीज एंड एटिकेट्स एंड एवरी थिंग. डूइंग थिंग्स एट ए प्रॉपर टाइम एट एक्सरसाइजेज एंड ऑल दैट दैट कम्स इन द ग्रिप ऑफ मैच्योरिटी. मैच्योरिटी इज हेल्थ. सो दैट्स वाई आई टॉक अबाउट मैच्योरिटी. एंड मैच्योरिटी इज द मंत्र ऑफ हेल्थ. So we need to stay mature. We need to get more knowledge, more knowledge, more knowledge, and stay mature. And then we can work on our life and health. Now in this culture we are living, we are confined with some names and this and that and I, me. So when we come out of this image of I with walking with me, only then we can be a success in life or in health. So no doubt we have been given name, that this name, John is here or Mohan is here. And when we take that name, his parents, his school, his area where he lives comes in front of us, and he gets limited in that frame of things. So even after having a name and all that, we need to stay above I, me and all that. Only then we can see this life, we can see this health, we can work nicely on this journey of maturity and journey of health. So this here I want to emphasize on maturity. And maturity is knowledge, and knowledge is discipline. All the chain of all these things can work on this journey of nice health. Okay, namaskar, and I will be again there in front of you with something magnetic. And please subscribe it and enjoy and share. Thank you.